केंद्र शासित प्रदेशों में अक्सर सरकार और उपराज्यपाल में तल्खियों की खबरें सामने आती रहती हैं। अब मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल का मामला पुडुचेरी में गरमाया हुआ है, जहां एलजी किरण बेदी ने सीएम नारायणा सामी के बजट के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे देश में कोरोना से बचने की तैयारी में सरकारें जुटी हुई है। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस मौके पर भी पुडुचेरी में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी अपने चरम पर दिख रही है। सूबे के मुख्यमंत्री नारायण सामी और एलजी डॉक्टर किरण बेदी के बीच फिर तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नारायण सामी ने आज विधानसभा में सालाना बजट पेश किया है, लेकिन बजट से पहले मुख्यमंत्री और एलजी के बीच बजट को लेकर बहस तेज हो गई। सत्र शुरू होने से पहले परंपरा के तौर पर उपराज्यपाल का अभिभाषण होता है, लेकिन पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी अभिभाषण पढ़ने के लिए सदन में नहीं आई और इसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी कि वो अभिभाषण पढ़ने के लिए सदन में नहीं आएंगी। उपराज्यपाल अभिभाषण पढ़ने नहीं आई, इसे लेकर AIADMK और BJP के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। सदन में न आने को लेकर किरण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नारायण सामी की ओर से उन्हें वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेजा गया, जो कि आज विधानसभा में दिया जाना था। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी थी कि यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कागजात उन्हें नहीं भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने बजट पेश करने के लिए नई तिथि की मांग की थी। पूरे मामले को लेकर एलजी ने खुद को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखा कि विधानसभा के समक्ष फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ली जा सकती है, इसलिए इस मामले में किसी को नजरअंदाज नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में बजट पेश करने से पहले उसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजने का कोई नियम या कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात और कोरोना से पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए बजट पेश करने में अगर देर होती है तो इसका प्रभाव जनता पर पड़ता, इसलिए बजट आज ही पेश करने का निर्णय लिया गया। अब मुख्यमंत्री जहां सफाई देते हुए आज बजट पेश करने के फैसले को सही बता रहे हैं, तो वहीं एलजी पूरे मामले पर शांत नजर नहीं आ रही हैं, जिससे सूबे का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। GB Live की रिपोर्ट।